नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरावर्दी। आज हम शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब के लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा यानी गाय का कीमा आधा किलोग्राम, चने की दाल 250 ग्राम, प्याज एक दरमियानी, साबुत लाल मिर्च 12 से 15 अदद या हसबे ज़ायका, दालचीनी 2 बड़ी स्टिक्स यानी 2 बड़ी डंडियां, बड़ी इलायची 3 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबित 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधा कप, अंडे 2 से 3 अदद और तेल तलने के लिए। तरकीब, एक पतीले में 3 से 4 कप पानी डालकर उसमें बीफ का कीमा, चने की दाल, प्याज, साबित लाल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च साबित, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और जीरा डालकर छोड़ दें। उबाल आने के बाद जब तक दाल और गोश्त गल जाए आप तब तक उसे पकाएं। अगर पानी हो तो तेज आंच पर पानी सुखा लें, यानी दाल को खड़ी खड़ी रखना है और फिर मिक्सचर को ठंडा होने तक छोड़ दें। चॉपर में हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया डालकर ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। उस मिक्सचर में अंडे को शामिल करें और फूड प्रोसेसर में या किसी ग्राइंडर में तमाम अज्जा एक साथ अच्छी तरीके से ग्राइंड करें। हाथों की मदद से ग्राइंड करे हुए मिक्सचर के कबाब बना लें और फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म करके फ्राई कर लें। शामी कबाब तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।